अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। और सवाल लिखें। आपसे कह रहा हूं, बुला रहा हूं। ये रिफिल कर देना यार, रेड वाले की है रे। बल्कि नहीं, कर दो सारे ही कर दो यार। हाँ वो डस्टर भी नहीं है उधर ना, बोर्ड के पीछे गिर गया है रे। रख लें ऐश के। ओ क्यू सवाल लिखवा रहा हूँ। ओ क्यू ओ क्यू 25,000, ओ क्यू 25,000 है। डिमांड पर डे मिनिमम 200 यूनिट्स और मैक्सिमम 400 यूनिट्स। मिनिमम 200 और मैक्सिमम 400। जी नहीं बताई। लीड टाइम मिनिमम 10 दिन और मैक्सिमम 16 दिन। रिक्वायर्ड है आपसे एवरेज इन्वेंट्री। जी एवरेज इन्वेंट्री निकाल लें। मैक्सिमम 16 डेज। डेटा दोबारा सुन लें। डिमांड बताइए मैंने 200 और 400, लीड टाइम बताया है 10 और 16, एवरेज नहीं बताया, वो खुद ही ढूंढे। और एवरेज इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है। जी जी एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा है? हो सकता है या होगा? हाँ जी सेफ्टी स्टॉक हो सकता है या होगा। हाँ तो इसके लिए याद रख लीजिए कि जब भी डिमांड लीड टाइम में अनसर्टेनिटी है तो सेफ्टी का तो कॉन्सेप्ट यही है, तो फिर सेफ्टी स्टॉक है। डिमांड और लीड टाइम में अनसर्टेनिटी है तो बस अनसर्टेनिटी है, तभी तो सेफ्टी स्टॉक की जरूरत है।
हाँ जी अच्छा, ये जो मैंने कहा है ना कि जब भी अनसर्टेनिटी होगी तो सेफ्टी स्टॉक होगा, इसकी भी लॉजिक सुने। अगर सबसे अगर डिमांड और लीड टाइम सर्टेन होता तो डिमांड की भी एक ही फिगर होती, लीड टाइम की भी एक ही फिगर होती। नहीं नहीं खैर कर लूँगा मैं, कर लूँगा ना, मुझे चाहिए ये। अच्छा एक काम करना बेटा, बस जशानदा होगा जशानदा चाहिए यार। अगर डिमांड और लीड टाइम की एक ही फिगर है तो सेफ्टी स्टॉक नहीं, आरओएल का फार्मूला क्या होगा? डिमांड इनटू लीड टाइम, यानी अगर डिमांड है लेट से 200, लीड टाइम है 10, तो 200 × 10 सेफ्टी स्टॉक का फार्मूला क्या होगा? आरओएल माइनस एवरेज टू एवरेज, ये कितना होगा? 200 ही, ये 10, तो सेफ्टी स्टॉक का आंसर क्या आ जाएगा? 0। नहीं समझ आई? अगर डिमांड 200 यूनिट्स है और बस हमेशा 200 ही रहनी है और लीड टाइम 10 ही रहना है, तो फिर एवरेज डिमांड कितनी? यही 200, एवरेज लीड टाइम यही 10। आरओएल का फार्मूला क्या हो जाएगा? 200 × 10 2000। सेफ्टी स्टॉक निकाल के चेक कर लेते हैं, 2000 माइनस 200 × 10, तो सेफ्टी स्टॉक नहीं आ रहा ना। लगा लें जितना मर्जी कोशिश कर लें, कैलकुलेटर जैसे मर्जी कर लें, नहीं आएगा है? नहीं, इस बंदों को नहीं पता लग रहा ना, इसलिए बता रहा हूँ। है केस वन में चला जाएगा ना, तो ये जो केस वन केस टू था, ये तो मैंने आरओएल के केस वन केस टू बताए थे ना, मैक्सिमम मिनिमम के थोड़ी बताए थे। तो अभी आपको यहाँ पर एक बात साबित करके दी है कि अगर डिमांड लीड टाइम अनसर्टेन है तो सेफ्टी स्टॉक होगा। जब भी डिमांड और लीड टाइम की मल्टीपल फिगर्स हैं तो लाजमी है सेफ्टी स्टॉक, क्योंकि इस फार्मूले का आंसर फिर जीरो नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर डिमांड और लीड टाइम सर्टेन है तो सेफ्टी स्टॉक का आंसर जीरो आ रहा होगा, तो फिर सेफ्टी स्टॉक नहीं होगा। और लॉजिकली भी जब बिल्कुल सर्टेन है, देखें मैट्रिक के एग्जाम्स में जो सेंटर है वो कहाँ बनता है? हर एक को शुरू से पता होता है क्या सेंटर बनना है? नहीं, तो उसमें ना एक एहतियात का पहलू होता है, शायद आप लोगों ने भी कभी ऑब्जर्व किया हो कि अम्मी अब्बू कहते हैं कि पहले जाके ना सेंटर देखाओ, जहाँ सेंटर बनता है ना पहले वहाँ जाके सेंटर देखाओ, पता नहीं जब उस दिन निकलोगे पता नहीं कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपका सेंटर वही स्कूल बनना है तो फिर भी कहेंगे एक दिन पहले देखाओ जाके? नहीं, तो अनसर्टेनिटी है, तभी तो एहतियात की ज़रूरत है। जब सब सर्टेन है तो फिर एहतियात वाले का काम है। तो इसलिए जब भी अनसर्टेनिटी होगी, और सवाल में अनसर्टेनिटी कैसे पहचानेंगे? डिमांड और लीड टाइम की मल्टीपल फिगर्स हैं, तो जब भी अनसर्टेनिटी है तो सेफ्टी स्टॉक है। इसलिए मैंने इस सवाल की रिक्वायरमेंट क्या रखी थी? एवरेज इन्वेंट्री। तो ये तो बताया नहीं था कि सेफ्टी स्टॉक मेंटेन होता है कि नहीं होता, लेकिन डेटा से पता चल रहा है कि होता होगा मेंटेन। तो आंसर आ गया इसका, आरओएल निकला 400 × 16 6400, और मिनिमम इन्वेंट्री निकली 6400 माइनस 300 × 13। कैसे? 200 और 400 का खुद ही एवरेज कर लें, अगर एवरेज दिया है तो ठीक है, नहीं तो खुद ही एवरेज कर लें। तो 200 400 का एवरेज 300 बन गया, और 10 और 16 का एवरेज 13 बन गया, 2500। और एवरेज इन्वेंट्री ओ क्यू बाय 2 प्लस 15,000। अच्छा, जिन लोगों को अब ये मैंने दो सवाल सामने करा दिए, आपके सामने वैल्यूज आ गई, अब पूछें जो कॉन्सेप्चुअल मसला है कि अंडरस्टैंडिंग का मसला है कि जी आरओएल क्या है और मैक्सिमम इन्वेंट्री क्या है। अब फिगर्स है ना, मैं फिर से एक रीकैप देता हूँ।
इन्वेंट्री लेवल्स मतलब इन्वेंट्री में पड़े हुए स्टोर में इन्वेंट्री के यूनिट्स, ये इन्वेंट्री लेवल से मुराद है। आरओएल का मतलब है कि ये ना लिक्विड वाली बात से बेहतर समझ आएगा, टैंक में फ्यूल है ये इंडस्ट्री में ना डीजल इस्तेमाल होता है बहुत सारी मशीनों में, तो उन्होंने डीजल स्टोर किया होता है, बहुत बड़े टैंक्स होते हैं, तो ये डीजल का स्टोर है। अब इसमें एक लेवल डिसाइड किया होगा कि स्टोर में टैंक में बैलेंस डीजल कम होता होता यहाँ तक पहुँचेगा तो ऑर्डर प्लेस कर देंगे, क्या कहेंगे इसको, आरओएल। अब जब तक ऑर्डर पहुँचेगा तब तक ये इस्तेमाल होता रहेगा। एक और लेवल यहाँ पर होगा जो कि ये है कि अगर ये पॉइंट आ गया है और अभी तक सामान नहीं पहुँचा तो फुर्तियाँ करें, चले शाबाश, पूछें सप्लायर को, बैठे उसके पास जाके को भेजो सामान, फिक्र बढ़ जाएगी, इसको सेफ्टी स्टॉक कहते हैं। सेफ्टी स्टॉक वो लेवल ऑफ इन्वेंट्री है कि जहाँ तक पहुँच गया हो स्टोर और अभी तक सामान ना आया हो तो फिर फिक्र करें, क्योंकि अगर अभी तक सामान नहीं आया तो फिर चांसेस हैं कि स्टॉक आउट हो जाएगा। ये मिनिमम इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट है, ये सेफ्टी स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। इसको सेफ्टी स्टॉक कहते भी इसलिए हैं कि जब तक ये नहीं पहुंचा तब तक सेफ है, ये आखिरी लिमिट है सेफ होने की। जैसे ही इन्वेंट्री बैलेंस इससे भी नीचे चला गया तो बस फिर सेफ नहीं रहेंगे शायद, ये सेफ्टी स्टॉक है। और मैक्सिमम स्टॉक ये है, इसमें तो चलो मैक्सिमम ही होगा क्योंकि ये तो टैंक फुल ही रखना होता है उन्होंने, लेकिन वैसे मैक्सिमम स्टॉक का कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा रखना शुरू कर दिया तो फिर फजूल में होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी, तो वो मैक्सिमम लेवल जहाँ तक चला जाए ठीक है, उससे ऊपर चला गया तो फिर बेवकूफ़ी शुरू हो जाएगी, उसको मैक्सिमम स्टॉक कहते हैं। और एवरेज स्टॉक एवरेज स्टॉक है, एवरेज और सेफ्टी नहीं नहीं बैलेंस कम ज़्यादा हो रहा होगा, एवरेज का कॉन्सेप्ट है कि ऑन एन एवरेज स्टोर में कितना रहता था, तो सेफ्टी से ज़्यादा ही रहता था। अगर एवरेज सेफ्टी आ रहा है ना तो उसका मतलब सेफ्टी से नीचे भी जाता होगा। फिर अगर किसी डेटा का एवरेज 100 है तो वो एवरेज है, उससे कम भी गया होगा। अगर किसी बैट्समैन का एवरेज स्कोर 55 है तो उसने 55 से कम भी किया होगा, ज़्यादा भी किया होगा, तब जाके एवरेज है। किसी भी डाटा की लोएस्ट फिगर एवरेज नहीं हो सकती, तो एवरेज स्टॉक सेफ्टी स्टॉक नहीं होता, उससे ज़्यादा ही होता है। क्योंकि मैक्सिमम लेंगे तो जीरो हो जाएगा, मैक्सिमम डाल के देखें ना जीरो आ जाएगा आंसर। मिनिमम स्टॉक के फार्मूले में आप ब्रैकेट के अंदर मैक्सिमम मैक्सिमम डालें, ये कह रहे हैं ना आप, मिनिमम डालें नहीं, एवरेज इसलिए कि जितना एवरेज एवरेज टाइम लगता है उतना लग जाए खैर है, यानी जब तक सेफ्टी स्टॉक नहीं पहुंच रहा ना तब तक खैर है, तबीयत में सुकून है, तो ऑन एन एवरेज जितना टाइम लगता है ठीक है खैर है, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा टाइम लग गया तो फिक्र शुरू हो जाएगी। अच्छा वैसे अब आप पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन अगर हम इन फार्मूलों पे बहस ये करें कि नहीं इसकी जगह ये नहीं होना चाहिए था, तो नहीं होना होता तो बड़े बना देते। मैं तो आपको सिर्फ फार्मूले समझा रहा हूं कि ये ऐसे हैं, इस वक्त हम फार्मूले रीडिजाइन तो नहीं करने की पोजीशन में ना। जिसने भी फार्मूले बनाए हैं यकीनन आर्गुमेंट्स हुए होंगे, उसके बाद ये फार्मूले तय हुए होंगे, तो मैं आपको ये तो बता सकता हूं कि ये फार्मूले का मतलब क्या है, लेकिन अगर हम ये बहस करेंगे कि नहीं इसकी जगह ये होना चाहिए था तो यूजलेस बात होगी ना यार, होना चाहिए था अच्छा भी नहीं, फार्मूले जो हैं हमने तो उनको फॉलो करना है। हाँ समझा जरूर रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, तो होना चाहिए था तो फिर होना चाहिए था, जब हम कल को अपने फार्मूले बनाएंगे दुनिया हमारे फार्मूले मानेगी तो फिर हम अपने फार्मूले बना लेंगे, हाँ जब हमें बूढ़े बूढ़े कहेंगे तो फिर मान लेंगे हम। अच्छा आप एक नोट ये लिख लें,
एक नोट लिख लें कि ये जो डिमांड, सुन लें पहले पूरी बात, शुक्रिया, ये जो डिमांड और लीड टाइम था इसकी अगर मल्टीपल वैल्यूज हैं जैसे इस सवाल में थी तो एवरेज कैसे किया था? दो फिगर्स थी तो दोनों का एवरेज किया, दोनों को प्लस करके टू पे डिवाइड, ठीक है, ये भी एक तरीका एवरेज करने का, लेकिन हो सकता है आपको मल्टीपल फिगर्स दी हों और हर पॉसिबिलिटी की एक प्रोबेबिलिटी दी हो, यानी आपको मैंने यहाँ पर जो डाटा दिया था अगर कहा होता कि डिमांड 200 यूनिट्स भी हो सकती है, इस बात के चांसेस 0.4 हैं, और 400 यूनिट्स भी हो सकती है, इस बात के चांसेस 0.6 हैं। इसी तरह से जो लीड टाइम बताया है 10 दिन हो सकते हैं, इस बात के चांसेस 0.7 हैं, और 16 दिन हो सकते हैं, इस बात के चांसेस 0.3 हैं। तो फिर एवरेज करने का तरीका प्लस करके 2 ना होता, फिर समेशन पी एक्स होता, समेशन पी एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू, समेशन पी एक्स, सुना सुना सा है, प्रोबेबिलिटी, दोबारा सारा शुरू से चलें दोबारा। अगर डिमांड की जो फिगर्स दी हैं इनके साथ इनकी प्रोबेबिलिटी भी बताई होती, प्रोबेबिलिटी चांसेस को कहते हैं, लीड टाइम दिया है 10 दिन 16 दिन, साथ इनकी प्रोबेबिलिटी भी बताई होती, तो हमें इनको एवरेज करने के लिए अब 10 प्लस 16 बाय 2 ना करना होता, 200 प्लस 400 बाय 2 नहीं करते हम, फिर करते 200 इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस 400 इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी, इस तरह एवरेज निकालते हैं जी, प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज कहते हैं इसको। आप में से जिन लोगों ने FAR 2 पढ़ा हुआ है या पढ़ रहे हैं तो IS 37 प्रोविजन, अगर आपने FAR 1 पढ़ लिया हुआ है तो IFRS 15 रेवेन्यू में भी ऐसी कैलकुलेशन होती हैं, है? अब नहीं है, R2 पढ़ लिया है, R2 पढ़ लिया क्या, पढ़ रहे R1 पढ़ रहे हैं, तो R2 में पहुंचेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, अब नोट लिखने वाली बात यह है कि ये जो मल्टीपल वैल्यूज हैं डिमांड की या लीड टाइम की, अगर इनकी प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी हो सवाल में तो फिर एवरेज मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2 के तरीके से नहीं होगी, समेशन पी एक्स के तरीके से होगी। अब अगर अल्फाज याद करके लिखने की कोशिश करेंगे तो मेरे तो अल्फाज भूल गए आपको, दोबारा हमें जब फिगर्स की एवरेज करनी होती है तो उसका एक तरीका होता है कि मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, लेकिन अगर आपको उन फिगर्स के साथ प्रोबेबिलिटीज असाइन कर दी गई हैं, अब एवरेज करने के लिए क्या करना होगा, समेशन पी एक्स। अब जिनको समेशन की स्पेलिंग नहीं आ रही ये होता है समेशन, लिख लिया जो भी पेज बांटा था वो दिखाइएगा। ये जो भी पेज बांटा था, क्वेश्चन 3 कर दें आप ऑनलाइन में, एक मैंने ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए आपके कोर्स में एक रखी हुई फाइल इन्वेंट्री लेवल्स प्रैक्टिस के नाम से,
उनमें क्वेश्चन थ्री कर दें अभी सॉल्व। और ये जो फिजिकल क्लास वाले बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपके सेक्शन में बांटा था आज सुबह एक पेज। उसमें चार क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन थ्री कर दें। जिनको क्वेश्चन अजीब लग रहा होगा तो वो असल में सोल्यूशन देख रहे होंगे। जी सोल्यूशन अलग से है, क्वेश्चन अलग से है, क्वेश्चन देखना है।
इतनी देर का तो नहीं है सवाल यार। हाँ यार, मेरा तो ख्याल था ये तो चुटकी बजाते हो जाएगा आप। सॉल्यूशन मैच नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा जी, चले मैं बताता हूँ। साल में है 48 हफ्ते, सवाल में लिखा हुआ है। और 48 हफ्ते साल का मतलब है कि 12 महीने के हिसाब से एक महीने में 4 हफ्ते। आपको डिमांड पर मंथ दी हुई है और लीड टाइम वीक्स में है, तो या तो आप डिमांड को वीक्स में कर लें या लीड टाइम को मंथ कर लें। अच्छा, अब जब आप डिमांड को वीक में करेंगे तो 900 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 ठीक है, और 400 डिवाइडेड बाय 4। या अगर आप लीड टाइम को मंथ में करना चाहें तो 16 डिवाइडेड बाय 4। 16 हफ्ते इज नॉट इक्वल टू 64 महीने। अगर आपने वीक से मंथ में आना है, अगर आपने लीड टाइम को वीक की जगह मंथ करना है, तो 16 और 12 को दोनों को 4-4 से डिवाइड कर लें, तो ये आ जाएगा 4 महीने और 3 महीने। और अगर आपने इसको वीक्स में रहने देना है, डिमांड को मंथ की बजाय पर वीक बनाना है, तो आप उनको डिवाइड कर लें, तो 900 को 4 से डिवाइड कर लें तो डिमांड पर वीक आ जाएगी, और 400 को 4 से डिवाइड कर लें तो डिमांड पर वीक आ जाएगी। एक तो ये गलती शायद की हो, नहीं चलें आगे चल लेते हैं। पूछा है आरओएल, तो मैक्सिमम डिमांड कितनी है? नहीं है। 900 और 400 में से ज्यादा कौन सा है? तो ये मैक्सिमम है। यार 900 और 400 तो किसी बच्चे से पूछो तो बता देगा इसमें है? तो भी 900 और 400 दिया तो 900 ज्यादा है उसमें से है? क्या 200-400 सर्टन कैसे थे? मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम 200 ही होंगे। हाँ, और मैक्सिमम 400 ही होंगे। तो अभी भी मैक्सिमम 900 ही होंगे, मिनिमम 400 ही होंगे। तो मिनिमम या मैक्सिमम, या तो 200 होंगे या 400 होंगे, तो उनमें 60% मैक्सिमम 900 होंगे, लेकिन 60% चांस है। अच्छा, 200-400 वाला ठीक था, 200 होंगे या 400 होंगे, तो किसके कितने चांसेस हैं? तो फिर 400 किधर से होगा? फिर 100% चांस है कि 200 होगा। मैं भी पिछले की बात कर रहा हूँ, 200 यूनिट्स डिमांड होगी, इस बात के कितने चांसेस हैं? तो
तो पर 400 के चांस कहां, 400 को चांस ही नहीं रहा फिर। 400 फिर मैक्सिमम की बात आ जाती है ना, मैक्सिमम डिमांड 400 ये सर्टेन ही है 100% प्रॉब्लम। अच्छा ये तो खैर मैं मेरी उम्मीद से बहुत डिफरेंट एंगल में बात चली गई। देखें मिनिमम मैक्सिमम का मतलब है पाँच सौ यूनिट्स भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, 380 भी हो सकते हैं, 310 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 180 भी हो सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम 500 और 180। कैसे कैसे पता चला है? नज़र आ रहा है तो 900 और 400 में नज़र नहीं आ रहा। अब आर ओ सी पे आ रहा हूँ, 900 होंगे या 400 होंगे है ना? तो 100% चांसेस हैं कि 900 ही होंगे? अगर 100% चांसेस 900 होने के हैं तो फिर 400 की बारी कहां से आएगी? फिर तो 900 ही होंगे। डिमांड 900 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है। अगर 900 होने के ही चांसेस 100% हैं कि 100% चांसेस है कि 900 यूनिट्स ही डिमांड होगी, तो फिर 400 का तो चांस ही नहीं रहा ना। पिछले सवाल में 200 थे, आप मुझे प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहे हैं, मैं प्रोबेबिलिटी का जवाब दे रहा हूँ। पिछले सवाल में 200 और 400 था, मिनिमम 200 मैक्सिमम 400, कितने चांसेस हैं कि 200 डिमांड होगी 100%? मिनिमम अगर डिमांड होगी तो नहीं, मिनिमम होगी क्या मतलब है? कोई एक ही होगा ना इनमें से? मिनिमम मैक्सिमम का वर्ड ही छोड़ देते हैं। डिमांड 400 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 200 तक भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है। कितने परसेंट चांस है कि 200 होगी 100%? नहीं पता ना, लेकिन 100 तो नहीं है ना, ये तो पता है, ये तो पता है कि 100 नहीं है। 200 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं। 200 होने के भी चांसेस मौजूद हैं, 400 होने के भी चांसेस मौजूद हैं। 500 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, 380, 310, 200, 180, सबके चांसेस मौजूद हैं। तभी तो अनसर्टेनिटी है। अगर डिमांड 300 होगी बस, सर्टेन हो गया फिर? अनसर्टेनिटी ही तब है कि डिमांड की हमें कोई एक फिगर नहीं अंदाजा लगा पा रहे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तभी तो अनसर्टेनिटी है। तो जब हर फिगर की पॉसिबिलिटी है, यानी हर फिगर के चांसेस हैं, तो कितने चांसेस हैं ये प्रोबेबिलिटी है। मैंने इस सवाल में इनके चांसेस बता दिए, तो कैसे एवरेज किया? दिस इनटू दिस प्लस, अगर इसको मैं एक और चीज साबित करूं ना, तो इनफैक्ट इनमें भी चांसेस हैं 50%। 200 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, सबके बराबर बराबर चांसेस हैं। मतलब इसके भी 0.5 चांस हैं, इसके भी 0.5 चांस हैं, दिस इनटू 0.5, दिस इनटू 0.5। तो तब भी हमने यही काम ही किया था, इससे पिछले सवाल में भी इनफैक्ट हमने किया, समेशन पी एक्स ही होता है, लेकिन वो चूंकि 0.5 अज्यूम किया हुआ है, तो इसलिए आंसर वैसे आ रहा जैसे दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 करके आ रहा है, वरना इनफैक्ट वो भी समेशन पी एक्स ही हो रहा है। तो अगर मल्टीपल फिगर्स हैं तो किसी एक के चांसेस 100% नहीं है। यार जो डेटा है उनमें सबसे कम कौन सा है वो पता चलेगा कि नहीं? यार मिनिमम मैक्सिमम तो प्रोबेबिलिटी से नहीं पहचानना ना, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट कह लें, चले लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कह लें, डिमांड इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है। मैक्सिमम मिनिमम तो वैल्यूज कंपेयर करके पता चलेंगी भाई। 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, तो इसका मतलब मैक्सिमम कितने दिन लग सकते हैं? 15। कैसे पता चला? 15 और 10 में से 15 ज्यादा होता है। मैक्सिमम मिनिमम ओके। अच्छा तो और इस सवाल में क्या मसला है? फिर आंसर सेम नहीं आ रहा।
मैक्सिमम लीड टाइम 16 है, अच्छा अच्छा सॉरी एवरेज लीड टाइम से, हाँ अच्छा, अब आप को मैक्सिमम लीड टाइम नहीं दिया हुआ, तो सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? तो मैंने आपको खैर अभी तो मिटा दिया, आरओएल के दो फार्मूले लिख के दिए थे और ये कहा था कि बाज़ोकत सवालों में सेफ्टी स्टॉक दिया होता है तो हमें फिर दूसरा वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो दूसरा फार्मूला भी है मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, उससे आंसर डिफरेंट आ रहा होगा। तो जो सवाल में है वो फार्मूला लगाए ना। अच्छा अगर कोई इसमें एवरेज निकाल लेता है तो उसमें अजम्पशन ज़्यादा बड़ी ये है कि ये 50-50 चांसेस वाला एवरेज है। आपने एवरेज कैसे निकाला, मैक्सिमम कैसे निकाला है? हाँ तो ये बराबर बराबर चांसेस वाला है ना, तो ये तो ज़्यादा बड़ी अजम्पशन लेनी पड़ रही है। जब सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है, एवरेज एवरेज डाटा मौजूद है, तो फिर आर ओ एल एवरेज वाला फार्मूला लग जाएगा। जी 16 से नहीं डिवाइड किया था, हाँ तो मंथ को वीक में कब कर रहा हूँ मैं, मंथ किधर है, मंथ को वीक में नहीं कर रहा, अरे नहीं मंथ को वीक में नहीं कर रहा, डिमांड को पर वीक कर रहा हूं, डिमांड पर मंथ से डिमांड पर वीक कर रहा हूं, मंथ को नहीं वीक में कर रहा, डिमांड पर मंथ को डिमांड पर वीक में ला रहा हूं, पर मंथ है तो एक वीक की डिमांड 3600 होगी, मतलब एक वीक में 3600 यूनिट्स हम डिमांड कर रहे हैं और महीने में पूरे मिला के 900 यूनिट्स। जो बात आप कर रहे हैं ना, ये जो डिमांड है, बल्कि अमाउंट ही लिख लेता हूँ, 400 पर मंथ है। आप कह रहे हैं कि मंथ को वीक्स में बनाना हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर लें, यही है ना, ये लो कर लिया 400 4 मंथ को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। अरे क्वेश्चन 3 तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, मेरा ख्याल था ये तो ऐसे हो जाएगा, ये तो आर ओ एल के दो फार्मूले बताए हैं तो उनमें से एक फार्मूले का डाटा नहीं है तो दूसरे फार्मूले का डाटा है, तो उस दूसरे फार्मूले से निकल आएगा, और मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल जब आर ओ एल निकलेगा तो मैक्सिमम के फार्मूले से भी निकल आएगा। हो गया सवाल? मैक्सिमम डिमांड इनटू किधर है मैक्सिमम लीड टाइम? यार जिस चीज का डाटा अवेलेबल है वो यूज करने की बजाय है, तो दोनों में से कोई जिसका डाटा है उसे कर लेना भाई। जिसने मैक्सिमम लीड टाइम जबरदस्ती मैक्सिमम लीड टाइम से ही करना है कर ले। कितना निकला मैक्सिमम लीड टाइम? 20। अब आप उस डाटा को इस्तेमाल करके जो आंसर निकालेंगे वो भी आंसर सही माना जाएगा, लेकिन पेपर मार्कर गुस्सा कर सकता है कि जब मैंने तुम्हें एक डाटा दिया है तो अजीब फनकारियां लगाने की क्या जरूरत है? डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो डाटा बनाया गया है वो ऐसे ही रेंडम बनाया है। ये जो सेफ्टी स्टॉक यहां लिखा नजर आ रहा है वो कैलकुलेटेड फिगर नहीं है। अगर वाकई ये लीड टाइम वगैरह से कैलकुलेटेड फिगर होती और वो यहाँ सेफ्टी में लिखी होती तो फिर ठीक आंसर आता। अभी जो सवाल मैंने खुद बना के करवाया था, आप इसको दोनों तरीकों से आर ओ एल निकाल के देख लें, सेम आंसर आएगा। तो ये ऐसे ही बस रैंडम फिगर लिखी हुई है इसलिए दोनों तरीकों से सेम आंसर नहीं आ रहा।
जी मैं अभी यही अर्ज कर रहा था, अभी मैं यही अर्ज कर रहा था कि ज़बरदस्ती जिद में ही पड़ गए कि मैक्सिमम ज़रूर मैक्सिमम लीड टाइम के तरीके से निकालना है। भाई पता नहीं वो एवरेज किस तरीके से निकाला हुआ है, कैसे पता है एवरेज वो प्लस टू का प्लस डिवाइड बाई टू करके निकाला हुआ है, कैसे पता आपको? लेकिन आप जब प्लस वाले तरीके से ज़बरदस्ती मैक्सिमम निकालेंगे तो बट निकाल लें ठीक है, लेकिन जो डाटा अवेलेबल है उसको यूज़ करें। चले नमाज पढ़ के आए वापस। बल्कि वैसे बता देता हूँ, ऑटम 11 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी, ये हसब तौफीक करनी नहीं, होमवर्क नहीं है ये, एवं अगर करना हो ज़िंदगी में कभी। ऑटम 11 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी कभी ज़िंदगी में दिल करे तो कर लेना। अभी क्वेश्चन नंबर 6 ऑटम 11 पार्ट बी कभी दिल करे करने का तो कर लीजिएगा, कभी बोर हो रहे हो करने को कुछ और ना हो। हैं क्या हुआ? नहीं वॉके हो सकते हैं आप, मतलब आप वॉशरूम गए हैं देर लग रही है, आप बैठे बैठे साथ ही सवाल कर लें टाइम पास हो जाएगा। चलें अभी जो पेज, अभी जो एक पेज है जिस पे सवाल कर रहे थे उसमें क्वेश्चन 4 खड़का दें जल्दी से, जल्दी से भी मैंने एक पास पेपर का सवाल बोर्ड पे करना है। अच्छा अच्छा अभी जो आज पेज दिया है उसमें से क्वेश्चन 4 कर दें।
देख लें सॉल्यूशन यार इसमें जल्दी भाई अच्छा कॉस्ट के सवालों में जनरली आप पॉलिसी ये बना ले कि महीना 30 दिन का और साल में 360 दिन वैसे ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि 360 रखने के 65 रखने के 64 रखने के कोई मसला नहीं है लेकिन आप कैलकुलेशन में स्टैंडर्ड बना लें इस बात को कि महीने में 30 दिन और साल में 360 दिन है जी नहीं वो फिर हफ्ते में हफ्ता नॉर्मली सवालों में होता नहीं अगर होगा तो वो खुद ही गाइड कर देगा अच्छा इसमें जो रीऑर्डर क्वांटिटी है ये ओ क्यू है वर्ड री ऑर्डर से ये राइट ऑर्डर लेवल नहीं बन रहा है ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है अच्छा जबरदस्त कैसे पता चला ऑर्डर क्वांटिटी तो हमेशा यही इतना ही मंगवाया करेंगे या तो री ऑर्डर क्वांटिटी हर बार जब भी ऑर्डर करेंगे इतना ही ऑर्डर करेंगे इसलिए इसको री ऑर्डर क्वांटिटी भी कह सकते हैं लेकिन वो टर्म्स डिफरेंट इस्तेमाल होती है ना उसके लिए क्वांटिटी का वर्ड नहीं होता कभी भी यूज लेकिन ओक्यू के लिए क्वांटिटी ही का वर्ड यूज होता है तो इसलिए ये ऑर्डर क्वांटिटी है चले ठीक है हो गया सवाल स्प्रिंग 13 पे आइए मैं करता हूँ बोर्ड पे स्प्रिंग 2013 पहला ही स्प्रिंग 2013 स्प्रिंग 13 क्वेश्चन नंबर पहला स्प्रिंग 13 क्वेश्चन 1 पार्ट बी पढ़िए मैं करता हूँ बोर्ड पे हैं जी हाँ जी रेप्लिका लिमिटेड पढ़ ले मैं बोर्ड पे करता हूँ
नॉर्मल लीड टाइम मतलब एवरेज लीड टाइम, नॉर्मल मतलब एवरेज, कि नॉर्मली यही होता है। क्या पर ऑर्डर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एन ऑर्डर अच्छा ये सामने खैर पार्ट ए नजर आ ही रहा है। ये इस तरह के पार्ट ना पता नहीं एग्जामिनर का मूड क्या होता है तो वो इस तरह के पार्ट बना देता है। ये एक कॉन्सेप्चुअल सा सवाल है और वो बहुत हैवी है 10 नंबर का। ये इंग्लिश का इम्तिहान है असल में। वो पूछ रहा आपसे कि स्क्रैप, डिफेक्टिव और स्पॉइलेज में क्या फ़र्क है। अच्छा बहरहाल स्क्रैप बिल्कुल ही फारिग चीज़, और बिल्कुल फारिग चीज़ से मुराद है जो हाँ जी कबाड़िए वाली बिल्कुल चीज़ है। उससे थोड़ा सा ऊपर दर्जा जो है वो स्पॉइलेज है, और उससे और बेहतर दर्जा डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव वो है जो बस थोड़ा सा ख़राब हुआ है, है? ब्रीफली डिस्कस। अच्छा वैसे तो इस तरह के सवालों का ना हर आंसर ठीक होना चाहिए। क्यों सॉल्यूशन शुरू में क्या लिखा, क्वेश्चन का स्टार्टिंग है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। तो होना तो इसका सारा आंसर ठीक चाहिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। अच्छा लेकिन बहरहाल इसमें स्क्रैप, डिफेक्टिव और स्पॉइलेज को बताना था। तो स्क्रैप बिल्कुल कूड़ा है, ये वो है जो हम प्रोसेस कॉस्टिंग में स्क्रैप इन्वेंट्री का अकाउंट बनाते थे। स्पॉइलेज जो है ये वो यूनिट्स हैं जो प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं, लेकिन अगर इनको ठीक करेंगे तो खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसलिए बस ऐसे ही कबाड़िया को भेज देंगे। और डिफेक्टिव यूनिट्स ये थोड़े से ख़राब हैं, थोड़े खर्चे करके ठीक हो जाएंगे। ये मुझे कैसे पता चला, सॉल्यूशन पढ़ के पता चला। तो आप भी ना ये पार्ट ए इसका सॉल्यूशन पढ़ लीजिएगा कभी दिल करे तो, ये ना हो कि आइंदा इसी तरह का सवाल ठीक। हाँ तो वो भी सॉल्यूशन में पढ़ लेंगे तो नज़र आ जाएगा। रिक्वायरमेंट वन क्या है, ईओक्यू और रीऑर्डर लेवल। ईओक्यू का फार्मूला 2 एनुअल डिमांड इनटू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू होल्डिंग कॉस्ट। 2 इसमें तो 2 ही होता है, एनुअल डिमांड नहीं पता। तो जब एनुअल डिमांड ही नहीं पता तो फिर ईओक्यू का फार्मूला तो यहीं पर फ्लॉप हो गया। एनुअल डिमांड नहीं पता, नहीं है सवाल के अंदर एनुअल डिमांड, नहीं निकालनी तो पड़ेगी लेकिन कहाँ से निकालें, है ही नहीं कुछ ऐसा, डाटा ही नहीं है, है जी। हाँ हाँ अब इसमें आपको एक नॉर्मल सवाल की चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, एक तो परचेज प्राइस पर यूनिट है, ये भी नॉर्मली सवाल में होता है, और प्लेसिंग एन ऑर्डर 50 रुपये यानी 50 रुपये पर ऑर्डर, ये भी एक नॉर्मल सवाल की चीज़ है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 10% ऑफ परचेज प्राइस यानी 15 रुपये, तो ये भी एक होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट नॉर्मल चीज़ है। लीड टाइम 12 दिन, सेफ्टी स्टॉक निल है, यानी ये सारा नॉर्मल चीज़ें। लेकिन इसमें एक अजीब सी चीज़ है। मकसद मेरा बताने का ये है कि अगर आपको सवाल में डेटा नहीं दिया हुआ तो फिर देखें कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा। अब इसमें हिंट ये है कि सेफ्टी स्टॉक 0 है, क्या है कि 0 है, और टोटल ऑफ होल्डिंग एंड ऑर्डर कॉस्ट एक अजीब सी चीज़ आ गई, पहले सवालों में नहीं होती थी, और पूछा भी ईओक्यू है और ऊपर लिखा भी हुआ है द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट विच आरएल प्रोक्योर्स फ्रॉम अ सप्लायर यूजिंग ईओक्यू, यानी ईओक्यू फॉलो करता है। अब यहां से क्या हिंट मिल रहा है कि टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर और टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर इक्वल होती हैं, क्योंकि बिजनेस ईओक्यू फॉलो करता है और सेफ्टी स्टॉक नहीं है। तो हम इस रस्ते को दफा करते हैं।
एक और रास्ते पे हैं। ये कैसे पता चला? सेफ्टी स्टॉक जीरो लिखा हुआ है ना, और ईओक्यू फॉलो होता है। एक तो है ना कि रिक्वायर्ड ईओक्यू है, वो तो चलो रिक्वायर्ड है, पहले पैराग्राफ में कहा हुआ है कि बिजनेस करता है फॉलो। तो अब यहाँ से हम वो वाला रूल लगाएंगे कि दोनों इक्वल हों। लेकिन ये हिंट निकला ही क्यों? क्योंकि एनुअल डिमांड का कोई रास्ता ही नहीं है, एनुअल डिमांड नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि इसमें कहीं यूनिट्स ही नहीं है, कुछ है ही नहीं टेबल के अंदर यूनिट्स, तो एनुअल डिमांड कैसे निकालेंगे? अच्छा, अगर पर डे पता हो तो एनुअल डिमांड कैसे निकालेंगे? किससे? 300 से दिन दिए हुए, पर डे पता हो फिर निकल आएगी एनुअल डिमांड। लेकिन सवाल में कहीं कोई हिंट नहीं है, कहीं कोई तरीका नहीं था यूनिट्स निकालने का, तो वाहिद रास्ता यही मिल रहा था। और उसके हिंट एग्जामिनर ने क्या दिए कि बिजनेस फॉलो करता है ईओक्यू, और सेफ्टी स्टॉक कहा हुआ है कि निल है। तो अब यहां से वो हिंट निकलेगा कि चूंकि ईओक्यू फॉलो होता है तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट होती हैं बराबर। अब अगर ये दोनों बराबर हैं और इन दोनों का सम 3000 है तो मतलब दोनों 1500 है। ये दोनों बराबर हैं तो 1500 हैं तो 3000 बन रहा है ना। तो इससे हमें पता चल रहा है कि टोटल ऑर्डर कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट ये 1500 रुपये हैं। बन निकला है ईओक्यू। टोटल ऑर्डर कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है? ऑर्डर कॉस्ट जो के है 50 रुपये इंटू एनुअल डिमांड ओवर ओक्यू। नहीं निकला कोई बात नहीं। टोटल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू ईओक्यू बाय 2, और सेफ्टी स्टॉक है नहीं। अब हमें ये पता है कि ये कितनी है, ये 1500 है, 15 इनटू ईओक्यू बाय 2, यहाँ से ईओक्यू निकल आएगा। कितना? 200। ये निकला है ईओक्यू। अब अगर आप इसी ईओक्यू को यहाँ रखें तो एनुअल डिमांड आ जाएगी। ले एनुअल डिमांड भी निकाल लेते हैं, लेकिन एनुअल डिमांड निकालनी क्यों है? ईओक्यू के लिए एनुअल डिमांड चाहिए पार्ट 2 के लिए, इनफैक्ट पॉइंट 1 के लिए भी अभी चाहिए। रीऑर्डर लेवल के लिए एनुअल डिमांड चाहिए होती है? नहीं, डिमांड पर डे चाहिए होती है। तो आपको ये बताया है कि साल में 300 दिन है, तो पर डे निकाल लेंगे तो हाँ चाहिए एनुअल डिमांड। तो इस फार्मूले से एनुअल डिमांड निकल आएगी 1500 इंटू 200 ओवर 50, 6000 डिवाइडेड बाय 320, ये 20 पर डे आ गया। 6000 एनुअल डिमांड है ना, 300 दिन है साल में, तो 300 से डिवाइड करेंगे तो 20 पर डे। अब 20 पर डे डिमांड है, लीड टाइम 12 दिन है, तो ROL 20 × 12, ये रिक्वायरमेंट का 0.1 है। टोटल होल्डिंग और ऑर्डर बस। हाँ, वो तो परचेज प्राइस है एक यूनिट पे, लेकिन और 0.2 जैसे सवाल तो कर कर के आप बूढ़े हो गए हैं। आप तो डिस्काउंट और ईओक्यू की ऑप्शन को कंपेयर करना है जी, है जी। ये 1500 ठीक है? टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू ईओक्यू बाय 2। अब इसमें आपको ये 1500 पता है, ये 15 है, ये 2 है, ईओक्यू निकल आएगा। ये 200 आ गया, इधर आ जाते हैं। ये कितनी है? 1500, 50, 200,
एनुअल डिमांड निकल आएगी। तो सप्लायर हमें लालच दे रहा है ना, नहीं नहीं सप्लायर कह रहा है कि 3000 खरीदो के तो मैं डिस्काउंट दूंगा, तो इसमें इतराज क्या है? हाँ तो कोई बात नहीं, वो कह रहा है सप्लायर 3000 कह रहा है तो मर्दी सप्लायर की। ऑन परचेजेज इन लॉट्स ऑफ 3000 कंपोनेंट्स, यानी 3000 करके, तो ये 3000 और ईओक्यू इन दोनों का मुकाबला करना है। हो जाएगा जी? फिनिश गुड्स कितनी है ओपनिंग क्लोजिंग? तो परचेज सेल बराबर है। ये सवाल स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि आपने ईओक्यू वाले फार्मूले में जो एनुअल डिमांड लेनी होती है वो परचेजेस बताई थी, और ये जो अभी इन्वेंट्री लेवल्स पढ़े हैं इनमें डिमांड क्या बताइए? सेल्स वाली, यूजेज वाली। तो फिर ये कौन सी वाली डिमांड निकली है? तो ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है, तो परचेज सेल बराबर है, इसलिए यही वाली डिमांड परचेज है और यही वाली डिमांड सेल है। जी जी तो उसमें तो नॉर्मल का मतलब एवरेज नहीं होता, नॉर्मल ये टेंपरेचर वो एक ही होता है। हां इसलिए कह दिया क्योंकि दरमियान में नॉर्मल का वर्ड आ गया, तो मैंने अभी गनीमत समझा के अभी ही बता दूं कि एवरेज की तरह नॉर्मल का वर्ड भी यूज हो सकता है। चलें आप इसमें लास्ट पोर्शन रह गया प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, वो इसमें सीए फाइनल लेवल का एक पोर्शन है, लेकिन खैर यहाँ टेस्ट हो चुका हुआ है कॉस्ट में भी, तो वो अगली क्लास में इंशाल्लाह कराता हूँ। ये कहते हैं तो भी करा देता हूँ, करा दूँ घंटा डेढ़ घंटा दो घंटे ढाई घंटे लग जाएंगे, कहते हैं तो करा देते नहीं नहीं कम से कम डेढ़ घंटा चाहिए उसके लिए, एक पूरी क्लास चाहिए उसके लिए। हाँ मंडे को वही सुबह ही मैं करा रहा हूँगा। हाँ हाँ वो उसी के दो घंटे बाद हो जाएगी। अच्छा एक बस जाते जाते एक बात सुनते जाएं, अब चूंकि आप पुराने हो गए ईओक्यू करते करते, अब आपको बताऊंगा तो समझ आएगी। स्प्रिंग 14 एक सवाल किया था सबसे पहला ईओक्यू का, स्प्रिंग 14 उस वक्त मैंने एक चीज़ इग्नोर करवाई थी, कहा था बाद में बताऊंगा, तो अब आप बड़े हो गए अब बता देता हूँ। स्प्रिंग 14 का पहला ही सवाल था, तब मैंने उसमें एक बात इग्नोर करने को कहा था कि बाद में बताऊंगा, अब वो बात आ गई है अब बताने लगा हूँ। अब आप बड़े हो गए ईओ क्यू के सवाल कर करके आप समझ जाएंगे, बात पहुँच जाए सवाल पे तो बताता हूँ। इस सवाल में 400 अप टू 400 यूनिट्स पर ट्रिप लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एक वक्त में 400 यूनिट्स तक आ सकते हैं, तो पर ऑर्डर कॉस्ट कितनी है? 25,000। आप इसका आंसर कैलकुलेट करते और आपका जो ईओक्यू है अभी तो आया ना 360, फर्ज करें आपका ईओक्यू आ जाता 720, ईओक्यू 720 निकल आता, नहीं निकलना था वैसे, नहीं निकलना था क्योंकि इससे ना फिर और बहुत कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, इसलिए नहीं निकलना था, लेकिन बस वर्स्ट सिनेरियो के लिए भी चलो तैयार रह लें। अगर इसका आंसर 720, 700, 750 कुछ निकल आता तो इसका मतलब हम एक वक्त में 720 यूनिट्स मंगवाएंगे, 720 मंगवाएंगे,
लेकिन 720 यूनिट्स तो मंगवाएं अगर, तो फिर ऑर्डर कॉस्ट 25 नहीं रह जाएगी, फिर तो 50 हो जाएगी। ऑर्डर कॉस्ट निकाली थी एक, वैसे प्लेसमेंट कॉस्ट थी शायद, क्या क्या था इसमें, इंस्पेक्शन थी कितनी, इंस्पेक्शन कितनी थी 20 थी, और एक ट्रांसपोर्टेशन थी 25,000। तो इस फार्मूले में आपने 45 यूज़ किया था। अगर आंसर 360 आया तो बस ठीक है 360, लेकिन अगर आंसर इतना आ जाता तो फिर तो ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, फिर हम इसको छोड़ देते, फिर हम इस आंसर को कैंसिल करके दोबारा ईओक्यू कैलकुलेट करते और अब की बार ये 25 की बजाय 50 यूज़ करते। दोबारा सुने, जो नॉर्मल नॉर्मल डाटा है उसके मुताबिक ईओक्यू कैलकुलेट कर लिया। अगर आंसर जो आया वो आपके डाटा से मैच कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर डाटा से इनकंसिस्टेंट हो गया तो उस ईओक्यू को छोड़ के अब नया ईओक्यू निकालेंगे और उसके लिए वो डाटा इस्तेमाल करेंगे जो इससे कंसिस्टेंट लगता है। यानी अब इसको हम यहीं छोड़ देते और ईओक्यू दोबारा निकालते और उसमें हम लोग यहाँ पर 50 करके 75,000 रखते। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता था, ज़्यादा ही आना था, ऑर्डर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो आंसर ज़्यादा आएगा क्योंकि न्यूमिरेटर है। हाँ, ये आपका सवाल बनता है कि अगर उसका आंसर 800 से ज़्यादा आ जाता फिर दोबारा करते, फिर यहाँ 75,000 रखते, फिर उसका आंसर अगर 1200 से ऊपर आ जाता फिर दोबारा करते हैं। अगर 800 से ऊपर चला जाता है, इसका मतलब हम 800 से ऊपर मंगवाएंगे तो फिर दो ट्रक्स में तो नहीं आ सकेंगे ना, फिर तीन ट्रक्स में आएंगे क्या? क्या क्लियर नहीं है? लिखा तो है अब 2400, और क्या क्लियर करें इसमें? हाँ, अच्छा कितना लगे फिर बताओ, कितना कर लें पर ट्रिप पर ऑर्डर दिया हुआ तो फिर ये फिक्स है। कितना है बताओ, कितना कर लें 700 का, 25,000 में आ जाएंगे 700, 700 यूनिट्स आ जाएंगे 25,000 में? नहीं आएंगे ना, तो कितने में आएंगे, क्या हल कर सकते हैं इस मसले का? यही कर सकते हैं, इसके अलावा तो हल नहीं है ना। तो जब दो फेरे लगाएंगे तो 25 की जगह 50 हो जाएगा, इसके अलावा और हल नहीं है ना। तो बड़ा ट्रक भी लेंगे तो 25 नहीं फिर ज़्यादा ही होगा ना, तो कितना होगा? जब वो कह रहा है कि अप टू 400 पर ट्रक, तो फिर अगले के लिए अप टू 800 तक दो ट्रक्स तो जाएंगे ना, तो फिर 50,000 खर्च आएगा। अच्छा, इसकी एक और मिसाल, ये तो एक मिसाल है ना, एक और मिसाल बताता हूँ। अभी हम लोग इससे हट गया हूँ, इस सवाल से हट गया, अभी हमारी करंट पॉलिसी 300 यूनिट्स है और मैनेजमेंट सोच रही है क्यों ना हम ईओक्यू पे चले जाएं, और साथ ही सप्लायर ने भी कह दिया कि अगर आप 5,000 यूनिट्स का ऑर्डर देते हैं तो मैं आपको डिस्काउंट भी देने को तैयार हूँ। ईओक्यू हमने कैलकुलेट किया और ईओक्यू कैलकुलेट करते हुए 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डर कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट, अच्छा होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकाली, उसमें हो सकता है इंटरेस्ट भी आ रहा हो, ठीक है इंटरेस्ट भी आ रहा था, ईओक्यू का आंसर निकला है 5,400। क्यों? क्योंकि सप्लायर ने कहा था कि 5,000 से ऊपर ऑर्डर कर दो तो मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दे दूंगा, तो हमारा तो ईओक्यू का आंसर 5,400 आ गया। तो फिर ईओक्यू वाली कैंसिल, हम फिर अब एक नई होल्डिंग कॉस्ट जिसमें डिस्काउंट का फैक्ट लेके फिर यहां रखेंगे, फिर जो ईओक्यू निकलेगा वो सही ईओक्यू होगा। बस यही बताने का मकसद है कि अगर डेटा में कुछ इनकंसिस्टेंसी इस तरह से आ गई कि यू के को जो आंसर निकला वो जो हमने फिगर्स इस्तेमाल की थी उससे वो इनकंसिस्टेंट है, तो फिर हमें उसको यू की दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस सवाल में ये यूनिट्स वाली बात थी, चूंकि ये नहीं ख़राब होना था इसलिए उसने 400 सोच समझ के रखा था, सवाल उसने खुद बनाया था। ये तो वैसे आपको एहतियातन बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाता तो फिर आप यू की को रिवाइज़ करते, और अगर ये बात ऊपर से गई तो जाने दें। क्या
प्राइस 200 रुपए पर यूनिट है, इंटरेस्ट 10% है। अभी हम इतने यूनिट्स ऑर्डर किया करते हैं, अभी ईयूक्यू पे सोचा भी नहीं था। सप्लायर ने कहा कि 5000 यूनिट्स ऑर्डर कर दो तो मैं तुम्हें 5% डिस्काउंट देने को तैयार हूं। अभी हम पहले सिर्फ ईयूक्यू निकाल रहे हैं, नीचे रखूंगा 20। इसी का आंसर 5400 हो गया। तो ये 5400 का जो आंसर है ये सही नहीं है, क्योंकि ये किस पे कैलकुलेटेड है? 20 पे। 20 कैसे कैलकुलेट हुआ? 200 पे। तो अब ये यूनिट्स इटसेल्फ इतने ज़्यादा आ गए कि अगर हम इतने भी खरीदने गए तो डिस्काउंट मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो फिर प्राइस ये नहीं, ये हो जाएगी। तो इसलिए ये आंसर हो गया गलत। अब हम यहाँ 19 रखेंगे, अब जो ईयूक्यू निकलेगा वो सही होगा। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।